हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। हमारे गेस्ट आए हुए हैं एंड जब इतनी दूर से कोई आता है ना तो फिर थोड़ा सा मन होता है कि काम से टाइम निकाल करके उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। लास्ट 2 डेज़ में हम लोगों ने बहुत फ़न किया। थोड़ा थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है जो आगे मैं आपको व्लॉग्स में दिखा दूँगी। बाय द वे, ये क्लिप थोड़ी सी पुरानी है, मुझे याद भी नहीं कब की है। मैं अपना जो डेटा है वो क्लीन कर रही थी तो वहाँ मुझे ये क्लिप्स मिले हैं एंड मुझे लगा मैंने ये आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो मैं आज की वीडियो में इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बिल्कुल ही क्विक सी ये सब्ज़ी है जो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही क्विक है और ये फटाफट से बन जाती है, टेस्टी भी बहुत लगती है, तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ क्योंकि ये काले चने की सब्ज़ी है एंड काले चने हम लोग सरसों के तेल में ज़्यादा पसंद करते हैं। आप आपकी पसंद का ऑयल ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था, आलू ऐड कर दिए, हरी मिर्च ऐड कर दी थी, कुछ एक मसाले ऐड कर दिए हैं एंड यहाँ पर मैंने, देखिए सबसे ज़्यादा सब्ज़ी बनाने में जो टाइम खर्च होता है वो होता है मसाला चॉप करने में और भूनने में, वो सब मैंने यहाँ एलिमिनेट कर दिया है। प्याज मैंने ऑलरेडी फ्राइड ले लिए हैं और टमाटर मैंने ऐसे ही काट करके ऐड कर दिए हैं। जब मैं पूरी वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद जब ऑयल बच जाता है तो उसमें 2-4-6 प्याज डाल करके स्लाइस करके मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ, तो ये बरिस्ता बन जाता है। ये एज़ इट इज़ बिरयानी में भी इस्तेमाल होता है एंड आप इसको बहुत सारी ग्रेवीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो तेल तो डिस्कार्ड करना ही रहता है, तो डिस्कार्ड करने से पहले एक बार उसमें अनियंस फ्राई करके निकाल लीजिए और उसके बाद कभी भी कोई भी सब्ज़ी झटपट आपकी बन जाएगी। ये सब्ज़ी छौंकने में मुझे बस 5 मिनट लगे, कुछ भी मसाला मुझे काटना भूनना नहीं पड़ा। ये किसी दिन मैंने लंच में बनाया था, बच्चे लोग आने वाले थे स्कूल से और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं तब फिर ऐसे झटपट वाले काम कर लेती हूँ जब मुझे एकदम से कुकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे तो मैंने सब्ज़ी रख दी है, फटाफट से पक जाएगी। और ना ये चना वना की सब्ज़ी होती है तो इसमें बहुत सारा हरा धनिया, वो भी डंठल वाला, मतलब पत्ते पत्ते नहीं, उसका स्टेम भी हो, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने यहाँ इसको 3-4 सीटी लगा ली। जो चने थे वो पहले से उबले हुए थे, चने मैं थोड़े से ज़्यादा करके ही उबालती हूँ जब उबालती हूँ, क्योंकि वो फिर ना कई सारी रेसिपीज़ में काम आ जाता है। तो चने उबले हुए थे, आलू तो 2-3 विसल में पक जाते हैं, टमाटर यहाँ पक गए थे, मैंने इसका छिलका अभी उतार लिया है और अभी ये टमाटर मैं मैश कर लूँगी। बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे अभी क्योंकि ये पक चुके हैं और छिलका भी हट गया है। प्याज मैंने ऑलरेडी फ्राइड लिए थे, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है ना, आप करके देखना एक बार, रेगुलर सब्ज़ी से डिफरेंट इसकी स्मेल थी और टेस्ट भी अमेजिंग था। अभी सारे जो टमाटर हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा सा मैं मैश कर लूँगी और चने तो देखो घुलते नहीं है तो इसलिए इसका पानी पानी थोड़ा अलग अलग दिखेगा, तो उस पानी पानी को ग्रेवी बनाने के लिए इसमें टमाटर मैंने मैश किया है, प्याज ऑलरेडी हैं और थोड़े से आलू भी मैं मैश कर दूंगी। एंड एक बार आप मेरे तरह से ये ट्रिक आजमा के देखिएगा। अब तो देखो फेस्टिवल चल रहे हैं, आए दिन कढ़ाई चढ़ेगी, तो आप पूरी बनाएं और फिर आप सोचें कि ये तेल मुझे नहीं इस्तेमाल करना है, तो एक बार उसमें 4, 6, 8, 10 जितना भी आपका दिल चाहे उतनी प्याज को बारीक स्लाइस करके फ्राई करके ब्राउन करके रख लीजिए, फ्रीज़र में स्टोर करें, कई महीने अच्छा रहता है एंड फिर ऐसे झटपट सब्ज़ी बनाइएगा। टाइम इतना कम लगता है और लगता है इसे कितनी मेहनत करके ये सब्ज़ी बनाई गई है। तो आलू चना की सब्ज़ी तो वैसे भी मुझे मेरे घर में सबको अच्छी लगती है, आप ट्राई दीजिए आपको अच्छी लगेगी। इसको पैर अप किया है मैंने पूरी के साथ, पूरी के साथ भी ये ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारी आलू काला चना की ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, थिकनेस भी बहुत अच्छी आ गई है। और इसको सर्व किया है मैंने थोड़ी सी पूरी, थोड़ा सा सैलेड और ये लाल मिर्च का अचार आप देख रहे हो, ये स्लाइट मीठा है, बहुत टेस्टी है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, आपने अगर बनाया है ट्राई किया है तो मुझे आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा।
और ये पॉपकॉर्न का डब्बा रखा हुआ था, बाहर ही रह गया था, क्योंकि इससे पहले वाली रात में हम लोगों ने मूवी देखी थी कुछ, और उसके लिए मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे। मैं पॉपकॉर्न के छोटे पैकेट नहीं लाती, ऐसे बड़े बड़े पैकेट ला के घर में ही स्टोर कर लेती हूँ। ये मैं डी मार्ट से लाती हूँ, काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। एंड पॉपकॉर्न इसका बहुत अच्छा बनता है, एकदम फ्रेश। आपको जो फ्लेवर देनी है, जितना बटरी करना है, वो आपके हिसाब से कर सकते हो। तो जब से मैंने घर में बनाना शुरू किया पॉपकॉर्न, हम लोग बाहर से बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, मूवी वगैरह के हिसाब से तो कभी नहीं खरीदते। हाँ, बाहर गए ही हुए हैं तब तो नहीं बना सकते ना, घर में तब खरीद लेते हैं वंस इन अ वाइल। बट घर के पॉपकॉर्न आर वे बेटर बाहर वाले पॉपकॉर्न से। मैं किचन थोड़ा सा साफ कर रही हूँ, बर्तन जो रखे थे बास्केट में वो सूख चुके थे, तो उनको मैंने रख दिया है जगह पे। डिशवॉशर के बर्तन चले गए हैं बास्केट में। डिशवॉशर में है ना, वैसे तो एकदम ही ड्राई निकलते हैं बर्तन, बट कुछ एक साइकिल ऐसी हैं मेरे इस वाले डिशवॉशर में, जो पिछला वाला था उसमें तो हर साइकिल में ड्राई निकलते थे, बट ये 6 सीरीज़ मैंने लिया है तो इसमें एक साइकिल में बिल्कुल ड्राई नहीं निकलते हैं बर्तन, तो वो मुझे फिर बास्केट में रखने होते हैं। अदरवाइज़ आप डिशवॉशर से सीधे भी ड्रॉर्स में रख सकते हो बर्तन, वो एकदम ड्राई निकलते हैं। तो मैंने वो गीले गीले थे थोड़े, तो वो रख दिए हैं सूखने के लिए मीनवाइल। और दूसरे जो बर्तन थे वो धुल करके मैंने लगा दिए हैं, धुल करके क्या, रिंस करे हैं बस हल्के हल्के, वो डिशवॉशर के अंदर रख दिए हैं। और मैंने काफ़ी वक्त पहले, 2-1 साल हो गए मुझे, जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज हैं वो लाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मैंने ये एक सेट ख़रीदा था मेटल के स्ट्रॉज का, और इसके साथ एक ब्रश भी आता है, ये मैंने शायद अमेज़ॉन से लिया था। एंड उसके बाद से मैंने कभी स्ट्रॉज खरीदे ही नहीं, 2 साल हो गए यही चलते आ रहे हैं। बस इस्तेमाल के बाद तुरंत इनको अच्छी तरह से क्लीन करके मैं रख देती हूँ, बिल्कुल साफ़ रहते हैं। एंड दैट वे थोड़ा वेस्ट भी कम होता है और पैसे भी कितने बच गए, 2 साल में तो कितने स्ट्रॉज इस्तेमाल हो जाते। छुट्टी का दिन है, बच्चे लोग भी घर पे हैं, तो थोड़ा सा आज ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है। जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल सुबह वाला रूटीन रहता है, एकदम सुबह सुबह फिर उनका डब्बा, नाश्ता, ये सब हो जाता है। बट जब उनकी छुट्टी होती है वो खुद भी लेट उठते हैं, मैं भी लेट उठती हूँ, और शर्मा जी भी लेट उठते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा फिर लेट ब्रेकफास्ट होता है। रात में ही ये जो मौसमी होती है ये छील करके रख देती हूँ, कभी मैं छील देती हूँ, कभी शर्मा जी, कभी बच्चे लोग भी छील देते हैं, तो ये शानो खुशी ने ही छीली थी, तो रात में छील करके रख दी थी, तो सुबह फिर जब मन आता है जूस पीने का तो तुरंत इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये मौसमी छीलने में थोड़ा सा ना वक्त लग जाता है। और साथ में मैंने पूछा था चाय बनाऊँ, दूध बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ, मैंने 4-6 ऑप्शन दिए थे, तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं, बस जूस पी लेंगे, ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं है। एंड इसके साथ 2-2 टोस्ट ले लेंगे, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और ये है मौसमी का जूस जो शर्मा जी ने निकाला है। और ये जो मेसन जार आप देख रहे हो, ये भी मैंने काफ़ी वक्त पहले डी मार्ट से ही लिए थे, बड़े सस्ते मुझे मिल गए थे। मुझे, मैंने कितने में ख़रीदा था उसका प्राइस याद नहीं है, और अब भी वहाँ पे क्या प्राइस है उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट ये आप होम सेंटर वगैरह से लेंगे ना, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते डी मार्ट में मिल जाते हैं। हाँ देखिए, थोड़ा सा तो फ़र्क तो रहता है, क्वालिटी का फ़र्क है, लुक एंड फील का फ़र्क है, बट हम लोग इतना भी मेसन जार यूज़ नहीं करते, वंस इन अ वाइल यूज़ होता है, तो उसके लिए इट इज़ ओके। एंड आज हम प्लानिंग कि मैं यहाँ से जूसर शिफ्ट कर दूँगी, जब जूस बनाना होगा तब रख लेंगे। ये एरिया क्लीन करके, जो केटल वहाँ रखा था ना शर्मा जी ने डाइनिंग टेबल पे, वो मेरी आंखों में ज़रा सा खटक रहा था, उसका इतना लंबा सा तार दिख रहा है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे रखने से ये थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ होगा।
इस रूम की बेडशीट मैं आज बदल रही हूँ, और ये जो दोनों बेडशीट है ना, जो पहले यहाँ पर स्प्रेड किया हुआ था और जो अभी स्प्रेड कर रही हूँ, दोनों मैंने हाउस एंड किंडर से लिया था और बड़ी अच्छी इनकी रेटिंग्स हैं वहाँ पे, उनके बेस्ट सेलर्स में से एक है और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी। बट पता नहीं क्यों ओवर द पीरियड मुझे इतनी भरी भरी बेडशीट्स ना अब अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ी सी प्लेन हो, थोड़ी सी सटल हो, कम डिज़ाइन हो वो अच्छी लगती है। पहले अच्छी लगती थी, मतलब सुंदर होनी चाहिए बेडशीट, पर अब सुंदर नहीं, कंफर्टेबल होनी चाहिए बेडशीट, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो अब ये दोनों मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे तब अच्छी लग रही थी जब मैंने ख़रीदा था। मैं तैयार हो चुकी हूँ, हम लोग निकले थे बाहर कुछ ज़रूरी कामों के लिए, 3-4 काम हम लोगों ने निपटाए, काफ़ी वक्त हो गया था बाहर घूमते घूमते, तो फिर थोड़ी सी भूख लगने लगी थी तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर, पहली बार हम लोग इधर आए थे। एंड बस यही खुला हुआ था दोपहर में, दोपहर में हमारे यहाँ ना बहुत ही कम शॉप्स खुले होते हैं। यहाँ हम लोग पहली बार आए हैं, पता नहीं कौन सा पिज़्ज़ा है ये, मार्टिनोज, एंड इट्स वेरी टेस्टी। शर्मा जी ने थोड़ा क्रंची करवाया है, एंड इट इज़ टेस्टिंग गुड, बेटर, वेरी नाइस। हम लोगों ने एक लिया था तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, वो बहुत टेस्टी था। दूसरा पेस्तो लिया था, मुझे पर्सनली पेस्तो बहुत पसंद है, बट इट वाज डिजास्टर। स्पिनच का है? स्पिनच नहीं है, वो गोभी का पत्ता है, जो भी है। इंडियन ग्रीन्स। एक बुआ जी है, एक फूफा जी है और एक चाचा जी है, वो तुम्हारे बड़ी मॉम दादा जी है, वो हमारे चाचा चाची है। वहाँ से हम लोग सीधे चले गए थे मम्मी पापा के घर, वहाँ पर एक्चुअली चाचा चाची और मेरी ननद नंदोई वो लोग आए हुए हैं, और वहाँ पे पूरा टाइम शाम तक हम लोग थे, और उसके बाद आगे मैं वापस घर पे। ये साड़ी एक मैंने मंगाई थी, ये मिंत्रा से मैंने मंगाया था, इसका पिकअप था तो इसके लिए मुझे आना था, नहीं तो फिर पिकअप रीस्केड्यूल करना पड़ता। बहुत सुंदर साड़ी है ये, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब सिर्फ डिज़ाइन नहीं, फील भी बहुत अच्छा है और लेंथ भी बहुत ही अच्छी है। बट इसमें है ना बहुत सारे स्पॉट्स थे, पहले मैंने जब इसको ट्राई किया तो मुझे एक दिखा, फिर मैं जब प्लीट्स करती चली गई तो मुझे और दिखे, और ये दाग ऐसे नहीं थे कि मतलब एक फील आती है ना कि ये दाग कैसा है, ये थोड़े इंक जैसे लग रहे थे, एंड मुझे लग नहीं रहा था ये जाएगा, तो आई वाज लाइक कि एक दो हो तो फिर भी मना ले, बट इतने सारे स्टेन्स हैं मैं इसको नहीं रख सकती, तो मैंने फिर ये रिटर्न में डाल दी थी, और उसका पिकअप था अभी, तो मैं इसको अभी फोल्ड करके रख रही हूँ। मैंने ट्राई करके ऐसे ही रख दी थी बिकॉज मुझे जाना था बाहर, काम थे कई सारे, अब मैं इसको फोल्ड करके इसके टैग के साथ इसकी पैकेजिंग में वापस रख दूँगी, और इसके बाद प्लान बना था हम लोग जाएंगे गरबा बाहर देखने के लिए। एक्चुअली मैं रहती हूँ वडोदरा में, और यहाँ पर हर जगह ही प्रॉब्लम, गुजरात के हर एरिया में, हर सोसाइटी का, हर एरिया का अपना ही गरबा भी होता है, बट वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो आकांक्षा मेरी जो ननद है, जिसकी शादी में आप लोग गए थे मेरे साथ मेरठ, तो उसको बहुत दिल था एक प्रॉपर गरबा देखने का, कैसे बड़े बड़े दिखाते हैं ना, वैसे भी वडोदरा का गरबा इज़ वेरी फेमस, नंबर वन पे आता है यूनाइटेड वे, उधर बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, इनफैक्ट जो बाहर सेटल्ड हैं गुजरातीज़ वो लोग भी आते हैं इस टाइम पे, तो हमारा प्लान वही था। बट देन वहाँ पार्किंग, भीड़, पास सिस्टम, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, तो वी वर लाइक कि शायद अगर नहीं मिला टिकट तो सब लोगों के साथ डिस्कशन करके हम लोग बीटा, जो कि अनदर एक गुड गरबा है बट नॉट एज़ गुड एज़ यूनाइटेड वे, बट डिस्कस करके हम लोग उधर चले गए थे, बिकॉज आकांक्षा को सिर्फ वो फील करना था कि इतने सारे लोग कैसे डांस करते हैं एक साथ बड़े से फील्ड में, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ, सभी एक्चुअली तैयार हो रहे हैं, और ये मैं तैयार हुई हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर गरबा देखने के लिए, अभी प्लान नहीं किया कि हम कहाँ जाएंगे, बट गरबा देखने जाएंगे फॉर श्योर। और दिस इज़ माय ड्रेस, शर्मा जी बोल रहे थे मुझको लहंगा, मतलब चनिया चोली दिलाने के लिए, मैंने मना बोल दिया, अब मुझे लग रहा है काश मुझे हाँ बोल देना चाहिए था। इधर हम चारों बैठे हुए हैं, पीछे पापा की गाड़ी आ रही है, नॉट दिस वन,
था यूनाइटेड वे जाने का, बट पास पास भी नहीं है और यार बहुत भीड़ होती है वहां पे। आज सैटरडे है तो बहुत भीड़ होगी। सो मैनी सब्सक्राइबर्स देर और आकांक्षा ने मुझे पूछा भाभी मैं क्या पहनूँ। मैंने कहा कि यार तुम है ना चनिया चोली ही पहनो। वो कुर्ता पहनना चाह रही थी हम सब की तरह, बट आई सेड कि चनिया चोली पहनो, तो उसको फ्री एंट्री भी हो गई एंड उसने थोड़ा सा इन्जॉय भी करा, डांस करने का ट्राई भी करा और हम लोगों ने बाहर से बैठ करके देखा, थोड़े से फ़ोटो वोटो खींचे एंड इट वॉज़ अ मज़ेदार नाइट। बहुत बहुत कम मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बातें करी, एंजॉय करा। एंड आप कभी नहीं आए हो गुजरात तो एक बार नवरात्रि के दौरान ज़रूर से आइएगा, बहुत ही मज़ेदार ये एक्सपीरियंस होता है। बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।